फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा फेमस इंग्लिश पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक और मजेदार पोयम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। दोस्तों, बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोयम है और आज हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द पोयम। अबाउट द पोयम, दिस पोयम वॉज रिटन इन 1835 एंड पब्लिश्ड इन 1842। इस पोयम को 1835 में लिखा गया और 1842 में पब्लिश किया गया था। इट इज 16 लाइन्स पोयम विच इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाटरेंस। ये 16 लाइन्स की एक पोयम है जिसे 4 क्वाटरेंस में डिवाइड किया गया है। राइम स्कीम फॉर इच क्वाटरेन इज ए बी ए बी। सभी स्टेंजा की राइम स्कीम है ए बी ए बी। इट इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हेलम। दोस्तों, ये पोयम एक एलिजी है जिसे टेनिसन ने अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर लिखा था। दोस्तों, एक बार पोयम के बैकग्राउंड के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि टेनिसन ने इस पोयम को अपने क्लोज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर लिखा था। अपने फ्रेंड की डेथ होने पर वे बहुत दुखी हो गए और इस पोयम के थ्रू वे अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। एक बार पोएट टेनिसन समुद्र किनारे बैठे हुए थे और यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए, नाविकों को नाव चलाते हुए और समुद्र की लहरों को किनारे से टकराते हुए देखते हैं और ये सब देखकर इनके माइंड में कई सारे थॉट्स आते हैं जिन्हें वे इस पोएम में बताते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की पोएम। ब्रेक 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 ओ दाय कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। दोस्तों, यहाँ पर ब्रेक का मतलब है तोड़ना, स्टोन यानी पत्थर। पोएट टेनिसन समुद्र की लहरों से कहते हैं कि किनारे पर जो ग्रे कलर के पत्थर हैं उन्हें तोड़ो। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर। टंग यानी जुबान, अटर यानी बोलना। पोएट कहते हैं कि काश मैं अपनी जुबान से बोल पाता और सबको बता पाता। द थॉट्स दैट अराइज इन मी। थॉट्स यानी विचार, अराइज यानी उठना। उन थॉट्स को, उन विचारों को जो मेरे माइंड में आते हैं। इन दोनों लाइन्स में पोएट टेनिसन कहते हैं कि काश मैं अपने इमोशंस और फीलिंग्स सब लोगों को बता पाता जो मेरे अंदर आते हैं और मुझे बार बार परेशान करते हैं, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद ही सिस्टर एट प्ले। फिशरमैन यानी मछुआरा, शाउट यानी चिल्लाना। पोएट कहते हैं कि समुद्र किनारे का ये जो माहौल है जहाँ लहरें बार बार किनारे से टकरा रही हैं, एकदम शानदार माहौल है। ये मछुआरे की बेटी के लिए अच्छा है जो कि अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर लेड। सेलर यानी नाविक, जो नाव चलाता है। लेड यानी नौजवान, और यही माहौल उस नौजवान नाविक के लिए भी अच्छा है। दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, जो नाव को चलाते हुए गाने गाता है। दोस्तों, इस पूरे स्टेंजा में पोएट टेनिसन अपने आप को मछुआरे के लड़के, उसकी बहन और सेलर से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि ये लोग कितने किस्मत वाले हैं जो बोल रहे हैं, गा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। ये भी उसी समुद्र किनारे बैठे हुए हैं जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं इनकी तरह अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पोएट टेनिसन इन लोगों से जेलस हैं क्योंकि ये लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन। फ्रेंड्स, स्टेटली का मतलब होता है बड़ा। शिप यानी जहाज, बड़े जहाज समुद्र में आगे बढ़ रहे हैं। टू देयर हेवन अंडर द हिल। हेवन यानी पोर्ट, जहाँ पर जहाज ठहरते हैं। हिल यानी पहाड़ी, और ये सभी जहाज अपनी मंजिल यानी किसी पोर्ट या किसी किनारे की तरफ जा रहे हैं जो कि एक पहाड़ी के पास है। इन सब लाइन्स में पोएट कहते हैं कि सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, जैसे मछुआरे के बच्चे समुद्र किनारे खेल रहे हैं, नाविक अपनी नाव चलाते हुए गाने गा रहा है और जहाज भी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, अब आगे पोएट टेनिसन अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं कि वे अपने दोस्त की मौत से कितने दुखी हैं। बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वेनिश्ड हैंड। दोस्तों, वेनिश का मतलब होता है गायब होना। पोएट कहते हैं कि मेरे फ्रेंड का हाथ गायब हो चुका है और मैं उसे टच नहीं कर पा रहा हूँ। इट मीन्स अब वो मर चुका है। एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। स्टिल का मतलब होता है शांत, और मेरे उस फ्रेंड की आवाज भी अब शांत हो चुकी है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। इट मीन्स अब वो मर चुका है और अब पोएट उसकी आवाज कभी नहीं सुन सकते।
ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ द क्रैक्स ओसी, फुट का मतलब होता है निचला हिस्सा, क्रैक्स यानी चट्टाने। दोस्तों अब वापस एक और लहर समुद्र किनारे पर आती है और चट्टानों के निचले हिस्से से टकराती है, और ये देखकर पोएट टेनिसन कहते हैं कि चट्टानों के निचले हिस्से से टकराओ और उन्हें तोड़ दो। बट द टेंडर ग्रास ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी, लेकिन वो खुशियों से भरे हुए पल, वो खूबसूरत दिन जो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बिताए हैं, वे अब गुजर चुके हैं और वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे, ये मैं जान चुका हूँ और समझ चुका हूँ। दोस्तों इस पोएम में पोएट टेनिसन ने अपने दुख और दर्द को एक्सप्रेस किया है क्योंकि उसका फ्रेंड मर चुका है जो कि वापस कभी नहीं लौटेगा। तो दोस्तों इन्हीं फाइनल लाइंस के साथ ये पोएम कंप्लीट होती है, और कैसी लगी आपको ये पोएम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।